हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं अपने पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। जैसे कि आप सभी को पता ही है, इन दिनों में हमारा खाना पीछे वाले घर में ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने दो चूल्हे अब रख लिए हैं। तो ये जो नया वाला चूल्हा है, ये हमने कल रखा है, तो है ना कि उस वाले चूल्हे में अच्छे से आँच नहीं लग रही थी, तो हमने कहा चलो एक और चूल्हा रख लें जो हमने नया वाला बनाया है, तो उसको भी हमने यहीं पर रख लिया है। तो कभी कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है दो चूल्हों की, तो इसी वजह से हमने वो वाला भी रखा है यहीं पर, और ये वाला भी दूसरा चूल्हा भी यहीं पर रख लिया है। और सुबह सुबह हर हाउस वाइफ के लिए यही सारे काम हो जाते हैं, घर की साफ सफाई, चूल्हे की पुताई, तो यही कामों में लग जाते हैं सुबह उठते ही। तो पहले कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो घर में जो काम है वो तो हमने कर लिए हैं, थोड़े बहुत जो भी सुबह के काम होते हैं। वैसे तो ज़्यादा हम सुबह के टाइम साफ सफाई के काम नहीं कर पाते हैं, जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में ही साफ सफाई के काम कर पाते हैं। तो जो भी खास खास साफ सफाई होती है, जैसे झाड़ू लगाना या बर्तन पड़े होते हैं थोड़े बहुत, उनको धुलना, तो ये सारे काम हमने कर लिए थे। और इधर उसके बाद में नहा लिए हैं, तो अब आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो अब बना लेते हैं खाना। और यहाँ पर धूप भी आ चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था। पहले मैंने उबाले हैं आलू, उसके बाद में ही सब्जी को छौंक रहे हैं। तो सब्जी है ना कि आज आलू उबाल कर सब्जी बनाएंगे, तो पहले थोड़े से आलू हम नमक मिर्च के कौर लेते हैं, तो दो सब्जियाँ हमारी हो जाएंगी। तो थोड़े से कौर लेंगे और थोड़ी सी सब्जी हम रसा वाली बनाएंगे। तो जब भी कोई सब्जी नहीं होती है तब हम आलू की सब्जी ही बनाते हैं, तो आज भी कोई सब्जी नहीं थी। और दाल है ना कि रोज़ ही दाल हम बनाते हैं, तो आज मैंने कहा चलो आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो थोड़ी सी सब्जी हम सूखी बनाएंगे और थोड़ी सी बनाएंगे रसा वाली। तो आज बनने वाली हैं हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ियाँ, तो वही हम पूड़ी कचौड़ी ही बनाएंगे। और है ना कि कचौड़ियों के लिए भी आलू हमने कौर लिए हैं, और बाद में इनका भरता बना लेंगे, तो वो हो जाएंगे थोड़े से आलू कचौड़ियों के लिए और थोड़े से कौरे हुए सब्जी के लिए हो जाएंगे। और यहाँ पर अब बनाएंगे रसीली वाली सब्जी। तो हल्दी मिर्चा हमने पीस लिया है और टमाटर भी कट कर लिए हैं, तो अब बस रसीली वाली सब्जी छौंक देते हैं और एक तरफ से आटा मार कर रख लेंगे, तो तुरंत से ही पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो धूप भी बहुत तेज़ आ गई है, और जब धूप निकलती है फिर गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है। और वैसे है ना कि अगर थोड़ी बहुत जब तक छाया रहती है तब तक नहीं गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पर जब थोड़ी बहुत धूप आ जाती है फिर गर्मी लगने लगती है। तो जल्दी जल्दी पहले सब्जी यहाँ पर बना लेते हैं, और उसके बाद में हवा भी तेज़ चलने लगी थी, फिर यहाँ पर हमने पूड़ी कचौड़ी नहीं बनाई थी, वो बनाई थी अंदर। तो यहाँ पर बस सब्जी ही हमारी बन पाई थी, आलू वाले थे और सब्जी बन पाई थी, उसके बाद में खाना यहाँ पर नहीं बना पाया था। बहुत तेज़ धूप हो गई थी और लमसम टाइम भी हो गया था, 10 बज गए थे। तो है ना कि जब पूड़ी कचौड़ी बनाओ या ऐसी कुछ चीज़ बनाओ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वैसे खाना बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा भी खाना बनता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। वैसे तो थोड़ा सा ही खाना बनता है, एक ही सब्जी बनाते हैं और दो सब्जियां बनने में भी टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी सब्जी बना देते हैं। इधर हमने सब्जी को छौंक दिया है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पकने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में बस फिर हम अंदर चूल्हा जलाएँगे। और यहाँ पर बुआ लगा रही हैं मिट्टी, तो ये काम भी बुआ को करना है, तो इसी वजह से इसमें लगाने लगी हैं मिट्टी। तो साथ साथ में सभी काम हमारे होते जा रहे हैं, और वहाँ अंदर हमने चूल्हा जला दिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन गई थी, उसके बाद में बुआ लगाने लगी हैं इसमें मिट्टी। तो इसमें मिट्टी भी लगानी ज़रूरी है, दो तीन बार मिट्टी लगा देती हैं, तो जितनी जल्दी इसमें मिट्टी लग जाएगी उतनी ही जल्दी ये डहरिया बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसमें दो तीन बार मिट्टी लगानी होती है, तो एक बार बुआ सुबह से मिट्टी लगा चुकी हैं, ये दूसरी बार लगा रही हैं, तो अभी दो बार और लगाएंगी तो जल्दी से हमारी डहरिया बनकर तैयार हो जाएगी। और इतने टाइम है ना कि यहाँ बाहर ज़्यादा धूप रहती है और अंदर वहाँ छप्पर के नीचे कम धूप रहती है, तो इसी वजह से वहीं पर चूल्हा जला लिया है। और वैसे सुबह के टाइम वहाँ अंदर ज़्यादा धूप रहती है और यहाँ पर कम रहती है, तो इतने टाइम इतनी ज़्यादा वहाँ पर धूप नहीं लगेगी। वैसे गर्मी तो लगेगी, क्योंकि जब थोड़ी बहुत धूप रहती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और इधर हम लोग बनाने लगे हैं पूड़ी कचौड़ियाँ, तो सभी लोग लगे हुए हैं, हमारी देवरानी जी, ननद जी और आरोही भी साथ में लगी हुई हैं।
तो आरोही को एक दे दिया है पाटा और फुकनी से बेल नहीं है, क्योंकि बेलन नहीं लाए थे घर से दो, तो एक ही बेलन लाए थे, तो इसी वजह से आरोही को फुकनी दे दी है और आरोही बेल नहीं है छोटी छोटी अपनी पूड़ियाँ। और यहाँ पर पर्दे के ऊपर से एक मोटा कपड़ा ऊपर से डाल लिया है, तो है ना कि इतनी तेज़ धूप नहीं यहाँ पर लग रही है और वैसे हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो है ना कि उड़कर सामने ही मुँह पर ही आता है, तो वहाँ पर बांध दिया है हमारी नंदन जी ने और ये कुड़वा रख दिया है, तो रुक गया है थोड़ा सा, तो बस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं पूड़ी कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ भी बनानी है पूड़ियाँ भी, तो पहले कचौड़ी बनाएंगे उसके बाद में ही पूड़ियाँ बनाएंगे। तो दो सब्जियाँ हमारी हो गई हैं आलू की, एक रसा वाली सब्जी हुई है, एक है सूखी वाली, तो दो सब्जियां हो गई हैं और पूड़ी हो जाएंगी और कचौड़ियां, तो इतना ही खाना हम लोगों को बनाना है। लेकिन जब भी पूड़ी कचौड़ी बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आज रसोई में गेट भी लग जाएगा तो उसकी हमको पूजा भी करनी है। तो यहाँ पर हमने हल्दी और चावल और रुपए रख लिए हैं, तो पीले कपड़े में रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पीले कपड़े में ही रखे जाते हैं, अगर सफ़ेद कपड़ा हो तो उसको हल्दी से थोड़ा सा पीला कर लिया जाता है तो उसमें बांध लिया जाता है, लेकिन हमारे पास पीला कपड़ा था तो पीले कपड़े में हमने बांध लिया है। और यहाँ पर हमको गेट की करनी है पूजा, तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं और पापा प्रसाद लेकर आए हैं, और है ना कि और किसी का प्रसाद हमारे यहाँ नहीं मिलता है, सिर्फ बतासे ही मिलते हैं, तो वही पापा बतासे लेकर आए थे, तो बतासे ही सभी को बांट देंगे। और जब लेंटर की ढलाई होती है तब भी हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, और जब गेट लगता है तब भी पूजा होती है, तो गेट लगा है हमारे यहाँ आज, तो वही हम पूजा कर रहे हैं, तो जैसा हमारे यहाँ होता है उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो पहले अगरबत्ती यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद में बतासे रख देंगे और सभी लोगों को प्रसाद भी बांटेंगे, तो पहले पूजा कर देते हैं। और जो हमने हल्दी और चावल लिए हैं वो गेट में बांधने हैं ऊपर की साइड में, तो आज विंडो नहीं रखा है, आज सिर्फ गेट ही रखा गया है, तो विंडो है ना कि थोड़ी सी दीवारें हो जाएं उसके बाद में ही उसको रखा जाएगा, और वैसे भी विंडो की पूजा भी नहीं होती है, सिर्फ गेट जब रखा जाता है तभी हमारे यहाँ पूजा होती है। और यहाँ पर पूजा कर देते हैं और सभी लोग यहीं पर हैं, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, काफ़ी धूप भी यहाँ पर लग रही है, तो बस जल्दी जल्दी से कर देते हैं। और आरोही के पापा भी थे यहाँ पर, आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही है ना कि पीछे पीछे ही हमारे लगी रहती हैं, तो यहाँ पर पानी भी मैंने छोड़ दिया है, जल चढ़ा दिया है ना कि पानी ज़रूर ही पिलाया जाता है, कोई भी काम करो पूजा पाठ तो उसमें पानी ज़रूर ही पिलाया जाता है, तो आज हमने इसी वजह से पूड़ी कचौड़ियाँ भी बनाई हैं, क्योंकि आज गेट हमारा लग गया है रसोई में, तो ये गेट लग गया है और विंडो रखा जाएगा कल या परसों में, तो जो आज गेट मेन काम है वो आज हो गया है और यहाँ पर बस अब काम शुरू हो जाएगा। तो इधर हम फिर से अपने काम में लग गए हैं पूड़ी कचौड़ी बनाने में, तो यहाँ पर बना लेते हैं और टाइम भी हो गया था खाना खिलाने का, तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग लगे हुए थे सभी लोग कि जल्दी से बन जाए उसके बाद में खाना खिलाते हैं। और आज सभी लोग खाना यहीं पर खाएंगे पीछे वाले घर में, क्योंकि यहीं पर सभी खाना बना है, और वैसे भी अगर हम सारा खाना ले जाएंगे वहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि यहीं पर आज सभी लोगों को खाना खिला दो, तो वहाँ है ना कि टीन में सभी लोगों को खाना खिलाएंगे और यहाँ पर इधर हम लोग बनाते हैं, तो बस पहले बन जाए बना लें उसके बाद में ही खिलाएंगे, क्योंकि पर खाना परोसना भी होता है, तो हमारी ननद जी बराबर से खाना यहाँ से ले जाती हैं वहाँ पर परसेंगी और हम लोग है ना कि थालियों में लगाते जाएंगे, तो पहले बना लेते हैं। और यहाँ कचौड़ियाँ हमारी अब बन गई हैं, तो अब बस पूड़ी बनाएंगे, तो पूड़ी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं थोड़ी। और इधर हम लोग साथ साथ में बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि साथ साथ में बातें करते जाओ तो काम है ना कि पता नहीं चलता है कि कितने टाइम हमारा काम हो जाता है और कितना टाइम लगेगा, तो साथ साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर हमारा खाना बन गया है, तो अब लगा देते हैं सभी लोगों के लिए थालियां। तो यहाँ पर हमारी ननद जी सब्जी परोस रही हैं और हम पूड़ी और कचौड़ी रख रहे हैं, तो जल्दी से खाना लगा देते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, तो इतने टाइम सभी लोगों को खाना खिला देते हैं और शाम के टाइम एक बार चाय नाश्ता करा देते हैं, तो लमसम 11 बज गए होंगे, 11 बजे का टाइम होगा, तो एक घंटा भी और रह गया है, एक घंटा और काम होगा, तो सभी लोग खाना खा लेंगे उसके बाद में फिर से काम पर लग जाएंगे, और फिर 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 घंटे सभी लोग अपने घर पर आराम करते हैं, उसके बाद में 3 बजे से फिर से सभी लोग आ जाते हैं काम पर।
तो है ना कि शाम के टाइम चाय नाश्ता कराते हैं और सुबह के टाइम खाना खिला देते हैं, तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग है ना कि खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग खाना खिलाते हैं, तो इसी वजह से सभी लोग खाना खा लेते हैं। और कोई भी काम कराओ उसमें खाना हमारे यहाँ ज़रूर ही खिलाया जाता है, चाहे कोई भी काम हो। और यहाँ पर आप सभी से मिले हैं लमसम 4 बजे के टाइम, तो यहाँ पर हमारी बन गई है चाय, तो सभी लोगों को अब चाय पिलाएंगे। तो चाय बन गई है तो चाय पिला देते हैं सभी लोगों को, उसके बाद में अपने काम पर हम लग गए हैं इधर। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बहुत तेज़ धूप भी आ गई थी, तो हमने यहाँ का कुछ भी काम नहीं कर पाए थे। और वैसे भी जब धूप आ जाती है फिर यहाँ के काम नहीं हो पाते हैं, तो इतने टाइम यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करते हैं। तो पहले साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे खाना, और चूल्हे की पुताई भी नहीं की है, तो आज ऐसे ही हम खाना बना लेंगे। किसी किसी दिन चूल्हे की पुताई कर देते हैं, किसी किसी दिन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मूंगफली भी बुआ ने फोड़ी थी, दाना निकाले थे, क्योंकि बीज के लिए दाना भी निकाले जाते हैं, तो वो भी काम साथ में होता है हमारा, तो हम लोगों ने थोड़े से ही दाने निकाल पाए थे आज, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिला था, थोड़ा सा ही टाइम दोपहर में मिला था। और यहाँ पर लग गई है हमारी झाड़ू, लेकिन हवा अभी भी चल रही है। और इधर उसके बाद में हम कूटने लगे हैं मिट्टी, तो आज हमको करनी है पुताई, तो टीन में आज हम करेंगे पुताई और कल करेंगे लिपाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और जब लिपाई पुताई हो जाती है तो थोड़ी सी कम गर्मी लगती है, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई कर देते हैं। तो आज हम पुताई करेंगे, तो मिट्टी को पहले भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में ही हम पुताई करेंगे। और ये एक हमारी दीदी हैं विद्या शर्मा, तो उन्होंने हमें बेटा बोला है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने कमेंट किया है कि आप थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई का भी दिखाया करो, आपको सिलाई कढ़ाई बहुत ही अच्छे से आती है, और थोड़ा सा बाहर का भी दिखाया करो, खेत खलिहान का, और है ना कि शादी की भी जिक्र किया करो, और अपने पति को भी ब्लॉग में शामिल करो। तो दीदी सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी हमें राय दी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो कोशिश हम करेंगे कि अपने पति को भी हम ब्लॉग में लाएं, और थोड़ी बहुत हम शादी की जिक्र भी करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है अनामिका, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो आपका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमने पूरे कमरे में झाड़ू अच्छे से लगा ली है, तो अब हम करेंगे यहाँ की पुताई। और इधर आ गई थी बुआ, तो बुआ मूँगफली के दाने रखने के लिए आई हैं, और हमारी मिट्टी भी बहुत ही अच्छे से पिघल गई है, तो थोड़ी देर के लिए पानी में उसको मिट्टी को भिगा दो तो बहुत ही अच्छे से पिघल जाती है। और ये सूखी वाली मिट्टी होती है, तो थोड़ा सा इसको फोड़ना पड़ता है, और बस फोड़ कर भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से मिट्टी हमारी भीग जाती है। और ये ताल की ही मिट्टी है, तो हम लोग इसको धूप में सुखा लेते हैं, उसके बाद में ही रखते हैं, तो है ना कि पूरे साल यही मिट्टी हमारी चलती रहती है। वैसे तो हरी भी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सूखी वाली मिट्टी से ही पुताई करते हैं। तो यहाँ पर पुताई कर देते हैं, उसके बाद में किसी दिन हम करेंगे यहाँ की लिपाई। और है ना कि ये टीन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी वजह से यहाँ की जब जल्दी जल्दी लिपाई पुताई हो जाती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, एकदम से ज़मीन हमारी जो है ना कि ठंडी सी हो जाती है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से यहाँ की लिपाई पुताई कर देते हैं। और ये एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आप यहाँ पीछे वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर बड़े बड़े कमरे बने हैं और जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दीदी जी ये तो बात सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी नहीं शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे वाले घर में हमारे सास ससुर रहते हैं, और जो कच्चे घर बने हैं जिस पर छप्पड़ पड़ा है वो वाले घर अच्छे नहीं हैं, उनमें पानी आने लगता है जब बरसात होती है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे फिर उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से हम लोग अभी यहाँ पर शिफ्ट नहीं होंगे। तो है ना कि गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सोने की, वैसे तो ठंड के दिनों में सभी लोग अपने अपने कमरे में सोते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, तो जब तक गर्मी है तब तक हम लोग यहाँ पर सोते हैं, वैसे फिर हम लोग घर में ही सोएंगे। और इधर हमने इस साइड से पुताई कर ली है और खटिया को खड़ा कर दिया है, दोनों खटिया को खड़ा कर दिया है, और अब इधर से पुताई जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और इतने टाइम यहाँ पर धूप भी आ जाती है, क्योंकि सूरज इधर साइड में चले जाते हैं तो यहाँ पर धूप आ जाती है, तो बहुत जल्दी से ही पुताई सूख भी जाएगी। तो एक तरफ से हम पुताई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सूखती जा रही है, तो जल्दी से कर देते हैं और सूख जाएगी हमारी पुताई। और आज जो हमारी ये मिट्टी है, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी, जो मिट्टी है वो हमने कंकड़ वाली भिगो दी थी, तो इसमें कंकड़ भी हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे से पुताई भी कर रहे थे, क्योंकि कंकड़ आ जाएंगे तो हाथ में छिद जाएंगे, और हमारे छिद भी गए थे एक दो,
क्योंकि जब कंकड़ वाली मिट्टी होती है फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पुताई करने में। और ये वाली मिट्टी हमको पता नहीं थी कि ये वाली पुरानी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पर रखी थी, तो मैंने कहा भिगो देते हैं इसी को, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा पुरानी मिट्टी हो गई थी। और बुआ बोल रही थी कि बगिया में जो मिट्टी लगी हुई है वो वाली नई मिट्टी है, तो वहाँ से हम नहीं लाए थे, यहीं से हमने इसको भिगो दिया था। तो बस यहाँ टीन की पुताई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी रह गई है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। और जब लिपाई पुताई हो जाती है फिर अच्छा भी लगता है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। और जो हमारे ये कच्चे घर होते हैं, कच्ची ज़मीन होती है, उनकी साफ़ सफाई लिपाई पुताई से ही होती है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई करनी होती है। और ना करो लिपाई पुताई तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और इधर आप सभी को दिखा रहे थे कि ये कंकड़ वाली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा इसमें कंकड़ निकले हुए हैं, तो इधर हमारी लिपाई पुताई हो चुकी है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।